दवाइयाँ ही दवाइयाँ, खूब सारी दवाइयाँ। तो हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं एफोर्डेबल सोर्स। तो आप लोग अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई दवाइयाँ तो यूज़ करते होंगे, रिसेंटली ही की होगी। और अगर आपने कैप्सूल यूज़ किया होगा तो आपने देखा होगा कि कैप्सूल के बाहर प्लास्टिक जैसी खोल होती है। तो भाई ये जो खोल बनी हुई होती है कोई प्लास्टिक नहीं है, ये एनिमल के प्रोटीन से बनी होती है जिसे कि ग्लाइकिन कहते हैं। और अगर प्लांट से बनाई जाती है तो प्लांट के पॉलीसैकेराइड से बनाई जाती है। आप लोग ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब ये दवाई हम लोग के पेट के अंदर जाती है तो किस प्रकार से खुलती है, घुलती है। आप लोग समझ गए ना। और हाँ, नॉर्मली पेट के अंदर एसिड होता है, पानी होता है। तो हम लोग यहाँ पर तीन चीज़ के तीन अलग अलग लिक्विड यूज़ करने वाले हैं। नंबर एक हल्का गर्म पानी, नंबर दो ये वाइट विनेगर, और नंबर तीन जो मैंने ऐसे ही बढ़ा लिया आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो इन तीनों चीज़ों में हम लोग इन मेडिसिन को डालेंगे और देखेंगे कि कैसे रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले हार्ड जिलेटिन का कैप्सूल जाएगा गर्म पानी में। देखो कैसे कैप्सूल फूटता है, ये देखो बाहर का जो खोल है वो पिघल गया और जो अंदर की मेडिसिन है वो फैल गई। अब की बार ये डिस्प्रिन, ये हालांकि नॉर्मल से रिएक्शन है लेकिन मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ वो आपको वीडियो के लास्ट में मालूम चल जाएगा। जब मैं ये स्प्रिन को डालूंगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल में, पानी में, तो देखो किस तरीके से गायब हो गई। अब इसका स्लो मोशन शॉट। तो डिस्प्रिन का शॉट तो काफ़ी मस्त होता है हमेशा से ही। अब यहाँ पे मैं वो कैप्सूल यूज़ कर रहा हूँ जिसके अंदर पाउडर होता है, और ये देखो किस तरीके से इसका ऊपर का जिलेटिन पिघल गया और पाउडर बाहर आ गया। वैसे भी हमारे पेट में मूवमेंट होती रहती है तो वहाँ पे जल्दी से सब निकल जाता होगा पाउडर। तो अब की बार ये सॉफ्ट जिलेटिन वाला कैप्सूल जिसके अंदर फिश ऑयल भरा हुआ है, ये हालांकि काफ़ी मोटा है, इसके बाहर की बात है तो काफ़ी टाइम लग गया लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। आप लोग देख लो, मुझे लगा इसको पिघलने में घंटों लग जाएंगे लेकिन ये हल्का हल्का पिघल जरूर रहा है पानी में। तो ये देखो कितना अजीब सा हो गया है, एकदम पानी की बूंद जैसा। हाँ ये बहुत कमज़ोर तो पड़ा है। और अरे 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 ये देखो प्लास्टिक पे छूते ही ये कट के गिर गया। तो मतलब थोड़ी देर और पड़ा रहता तो ये जिलेटिन भी पिघल जाता और ऑयल फैल जाता। अब की बार मैं ट्राई करने वाला हूँ विनेगर में, यानी कि हल्के फुल्के एसिड में। तो ये रहा विनेगर और सबसे पहले जाएगी डिस्प्रिन, देखते हैं रिएक्शन कितनी फास्ट होती है। तो पानी की तुलना में कुछ तो अंतर होना चाहिए इसमें। तो यहाँ पे ऊपर आप लोग देख लो कैसा इफेक्ट आ रहा है, लग रहा है कि यहाँ पे कुछ सोडा डाला गया हो। तो फिर से विनेगर लेते हैं और डालते हैं इसमें एक कैप्सूल हार्ड जिलेटिन वाला। और ये देखो देखो किस तरीके से हल्का सा फटा सबसे पहले ऊपर से, और ऊपर का जो खोल है जिलेटिन का वो निकल गया और इस तरीके से कैप्सूल फैल जाएगा। अब ट्राई करेंगे आइसोप्रोपिल अल्कोहल में। तो थोड़ा सा आइसोप्रोपिल अल्कोहल लिया मैंने प्योर वाला, इसमें डिस्प्रिन डाला कोई खास रिएक्शन नहीं, इसमें कैप्सूल डाला कोई खास रिएक्शन नहीं, अब इसमें फिश ऑयल डाला कोई खास रिएक्शन नहीं, और करीब इसमें पड़े पड़े आधा घंटा हो गए हैं कुछ भी नहीं हुआ। जी हाँ, बिल्कुल भी ऊपर की जो परत है जिलेटिन की वो नहीं पिघली, ना ही डिस्प्रिन में असर हुआ। तो कुछ ऐसा हुआ तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल में मेडिसिन डालने पर कोई फर्क नहीं पड़ा, खुली ही नहीं, और ये देखो इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, मस्त है ना। तो दोस्तों इस तरीके से आपने अलग अलग लिक्विड में मेडिसिन की रिएक्शन देखी। और हाँ, कल की वीडियो में मैंने पचड़ पचड़ क्या बोल दिया, हर जगह आप लोग कमेंट सेक्शन में पचड़ पचड़ ही फैलाए हैं, ऐसा मत करो। अरे करो करो जितना मानो पचड़ पचड़ करो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और पचड़ पचड़ करते रहना। बाय बाय।